वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉरल्स एंड फाइलम टिनोफोरा। तो फर्स्ट हम कॉरल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फाइलम टिनोफोरा को स्टडी करेंगे। तो कॉरल्स को कॉरल रीफ भी कहते हैं, क्योंकि स्टोनी कॉरल जो होते हैं उनसे कॉरल रीफ बनते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं सी एनीमोन की तरह, लेकिन सी एनीमोन के अंदर साइफोनोग्लिफ पाया जाता है। जो आम कॉरल्स होते हैं उनके अंदर साइफोनोग्लिफ मौजूद नहीं होता। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो कप लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो इसी कप लाइक एक्सोस्केलेटन की वजह से इनका नाम कोरल रखा गया है। एक्सोस्केलेटन जो है इनकी बॉडी के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, उनकी सिक्रेशन से इनकी बॉडी पर बनता है एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के आउटर साइड पर मौजूद एक शेल होता है, जैसा बिल्कुल कछुए का शेल होता है आउटर साइड पर। जब इनकी बॉडी को खतरा महसूस होता है तो ये अपने इस प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन के अंदर अपनी बॉडी को बैक मूव करवा लेते हैं और पैक हो जाते हैं, और जब खतरा ख़त्म होता है तब ये अपनी बॉडी को शेल से बाहर ले आते हैं, बिल्कुल जैसे कछुआ करता है। जैसे कछुए को खतरा महसूस होता है तो वो अपनी टांगों और माउथ को जो है वो शेल के अंदर बैकवर्ड मूव करवा लेता है और पैक हो जाता है। और फिर जब खतरा जो है वो ख़त्म हो जाता है तब वो अपना माउथ और टांगें जो है वो शेल से बाहर निकाल लेता है। सेम इसी तरह कॉरल जो है वो करते हैं। कॉरल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे सी एनीमोन के अंदर होती है, और इनकी शेप भी ऑलमोस्ट सी एनीमोन से ही मिलती जुलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर बडिंग के जरिए होती है। इसके अलावा गर्म पानी में पाया जाने वाला बहुत ही कॉमन कॉरल जो है इसका नाम है ऑक्टा कोरालियन। ये कलरफुल कॉरल होता है। तब हम इस ऑक्टा कोरालियन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके अंदर 8 जो है फीदर लाइक टेंटिकल्स पाए जाते हैं, 8 मेसेंट्रीज पाई जाती हैं और एक साइफोनोग्लिफ पाया जाता है। हालांकि आम कॉरल्स के अंदर साइफोनोग्लिफ मौजूद नहीं होता, लेकिन ये गर्म पानी में पाए जाने वाले कलरफुल कॉरल के अंदर एक साइफोनोग्लिफ मौजूद होता है। अब साइफोनोग्लिफ क्या होता है? तो ये माउथ रीजन के अंदर सीरिएटेड पार्ट होता है जिसे साइफोनोग्लिफ कहते हैं। इसके अलावा ऑक्टा कोरालियन जो है ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और कॉलोनी के अंदर इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। ऑक्टा कोरालियन के जो मेसेनकाइमा सेल्स होते हैं ये इंटरनल स्केलेटन सिक्रेट करते हैं, जो कि प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसके अलावा इस ग्रुप के और भी बहुत से मेंबर्स हैं, जैसे कि सी फैंस, सी पेंस, सी हिप्स, रेड कॉरल्स, ऑरेंज कॉरल्स और ऑर्गन पाइप कॉरल्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम टिनोफोरा। तो फाइलम टिनोफोरा को सी वॉलेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वो अखरोट की जैसी मिलती जुलती है। इसके अलावा इसे कॉम जेलिस भी कहा जाता है, यानी इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है जेली की जैसे, और कॉम इसके अंदर जो है वो कंघी की जैसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो आपको डायग्राम में नजर आएंगी। इसके अलावा इस फाइलम की 90 स्पीशीज जो है वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, और तमाम की तमाम स्पीशीज जो है वो मेरीन है यानी समुंदर में पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम यानी इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो स्फेरिकल शेप की होती हैं, यानी बेस भी होती हैं, लेकिन कुछ जो है उनकी बॉडी फ्लैटेंड होती हैं और लंबी होती हैं, लॉन्गेटेड होती हैं, फ्लैट यानी चिपटी होती हैं। फाइलम टिनोफोरा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स पर बनी हुई होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके अंदर मीजोडर्म जो है वो नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, डाइमनी दो लेयर्स का बना हुआ होना। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखती है, यानी टिश्यूज की बनी हुई होती है। फाइलम टिनोफोरा के अंदर बायरेडियल सिमेट्री होती है, यानी इनकी बॉडी को एक प्लेन में इस तरह कट किया जाए कि इनके जो हैं मिरर इमेजेस ना बने, एक ओरल एंड बने और एक अबोरल एंड बने, तो इसे कहते हैं बायरेडियल सिमेट्री। इनकी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस लेयर के दरमियान में मेसोग्लिया लेयर पाई जाती है। इसके अलावा फाइलम टिनोफोरा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी मौजूद होती है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वह नर्व नेट की शक्ल में पाया जाता है, और फाइलम टिनोफोरा के अंदर एक एडहेसिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इसको किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, उसे कहते हैं कोलोब्लास्ट। फाइलम टिनोफोरा के अंदर 8 रोज़ पाई जाती हैं, जिन्हें सिलियरी बैंड भी कहा जाता है, और इन सिलियरी बैंड्स को कॉम्ब रोज कहते हैं, जो कि फाइलम टिनोफोरा को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फाइलम टिनोफोरा की क्लासिफिकेशन। तो फाइलम टिनोफोरा की दो क्लासेस हैं, क्लास टेंटिकुलाटा और क्लास नोडा। तो फर्स्ट हम क्लास टेंटिकुलाटा को देखते हैं और उसके बाद क्लास नोडा को देखेंगे। तो क्लास टेंटिकुलाटा के अंदर टेंटिकल्स जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं,
और इनके टेंट्रिकल्स के ऊपर जो है वो एक शीत की कवरिंग हो सकती है। इसी तरह टेंटिकल्स जो है वो इस शीत के अंदर वापस भी मूव कर सकते हैं। जैसे कोरल्स की बॉडी जो है वापस जो है स्केलेटन में मूव कर सकती है, तो सेम वो कह रहे हैं कि टेंटिकल जो हैं फाइमटिनोफोरा की क्लास के वो भी शीट के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है ब्लूरोब्रांचिया, जिसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लासनोडा के अंदर टेंटिकल्स जो हैं मौजूद नहीं होते, उनकी बॉडी जो है फ्लैटेंड होती है यानी चिपटी होती है, और इनके अंदर ब्रांच्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है वो पाई जाती है। और क्लासनोडा की एग्जाम्पल है बीरो। तो नेक्स्ट हमारा है प्लूरोब्रांचिया टॉपिक। तो प्लूरोब्रांचिया की बॉडी जो है वो स्फेरिकल होती है यानी बेस भी होती है, इसे ओविड भी कहते हैं। उनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। प्लूरोब्रांचिया की बॉडी का डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा ये कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं, और कोल्ड वाटर जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में पाए जाते हैं। तो ये 2 मेन ओशंस हैं जहाँ पर प्लूरोब्रांचिया जो है वो पाया जाता है। उसके बाद ये कुछ फीचर्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है कॉम्ब्रोस। तो प्लूरोब्रांचिया के अंदर 8 वर्टिकल बैंड्स होते हैं जो कि सिलिया के बने हुए होते हैं, और ये सिलिया जो है कहलाते हैं कॉम्ब्रोस। अब कॉम्ब्रोस जो है वो प्रेजेंट होते हैं ओरल एंड एबोरल पोल्स के दरमियान में। ओरल पोल वो होता है जिस पोल के अंदर माउथ रीजन प्रेजेंट होता है, और माउथ रीजन का ऑपोजिट जो पोल होता है उसे कहते हैं एबोरल पोल। कॉम्ब्रोस जो है ये भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी इनको मूव करवाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जिसके साथ कनेक्टेड होती हैं कॉम्ब्रोस, यानी स्टेटोसिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। और स्टेटोसिस क्या है, ये एबोरल पोल की तरफ एक आइसपॉट होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और जैसे ही स्टेटोसिस जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है, कॉम्ब्रोस जो है इसको मूव करवाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटोसिस्ट फंक्शन। प्लूरोब्रांचिया जो है ये स्विम करता है एबोरल पोल के साथ, और स्टेटोसिस जो है ये आपको मैंने बता दिया कि ये लाइट को डिटेक्ट करता है यानी ये टिल्टिंग जगमगाहट को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा कॉम्ब्रोस का एक और भी फंक्शन है कि ये एनिमल्स की पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, यानी उसको नॉर्मल बॉडी शेप में लेके आते हैं। प्लूरोब्रांचिया के अंदर नेक्स्ट जो ऑर्गन पाया जाता है वो टेंटिकल्स। तो प्लूरोब्रांचिया के अंदर 2 लॉन्ग टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और टेंटिकल्स जो है इनके एबोरल एंड पे एक पाउच मौजूद होता है, एक थैली होती है जिसमें से टेंटिकल्स निकलते हैं। और क्योंकि 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं प्लूरोब्रांचिया के अंदर, तो 2 पाउच होते हैं एबोरल एंड की तरफ, और उन दोनों पाउचेस से 2 टेंटिकल्स जो हैं वो अराइज होते हैं। टेंटिकल्स जो हैं प्रे को कैप्चर करते हैं यानी पकड़ते हैं, और टेंटिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टरी फाइबर्स पाए जाते हैं, और ये फाइबर्स जो हैं ये टेंटिकल्स को पाउच के अंदर वापस बैकवर्ड मूव करवाते हैं। उसके बाद है कि प्लूरोब्रांचिया जो है उसकी न्यूट्रिशन कि वो खाते क्या हैं। तो टेंटिकल्स जो हैं फूड को कैप्चर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं माउथ के अंदर, और माउथ जो है वो ओपन होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल सिस्टम में कुछ कैनाल्स जो हैं वो ब्लाइंड होती हैं, लेकिन 2 स्मॉल कैनाल्स होती हैं जो ओपन होती हैं आउटसाइड द बॉडी, और इनसे जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी से बाहर रिलीज होता है। और ये 2 स्मॉल कैनाल्स जो हैं सेंस ऑर्गन के करीब पाई जाती हैं, और सेंस ऑर्गन कौन सा है, इनका स्टेटोसिस जो कि एबोरल एंड की तरफ पाया जाता है। तो यानी ये दोनों कैनाल्स भी एबोरल एंड की तरफ उनकी ओपनिंग होती है जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। एप्टिनोफोरा के अंदर एक एनल ओपनिंग पाई जाती है, जबकि नाइडेरियंस के अंदर एनल ओपनिंग मौजूद नहीं होती। तो इन एनल कैनाल्स के जरिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ वेस्ट जो है इनके माउथ से भी जो है एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है प्लूरोब्रांचिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो प्लूरोब्रांचिया जो है ये मोनोएशियस स्पीशी होती है, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इनकी गैस्ट्रोडर्मिस जो लेयर होती है उसके साथ 2 गोनेड्स जो है वो अटैच होते हैं। एक गोनेड जो है वो ओवरी होता है, और दूसरा गोनेड जो है वो टेस्टिस होता है। और गैमेट्स जो है ये अपने माउथ के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर एक्सटर्नल होती है यानी पानी के अंदर होती है, बॉडी से बाहर होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो स्लाइटली फ्लैटेंड लार्वा जो है वो डिवेलप होता है। तो ये हमारे पास प्लूरोब्रांचिया का स्ट्रक्चर। तो यह है इसका माउथ रीजन, इसे कहते हैं ओरल एंड।
अब माउथ रीजन का जो ऑपोजिट पोल होता है उसे कहते हैं एबोरलैंड, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। इसके अलावा जिनका एबोरलैंड होता है, एबोरलैंड पे एक स्टेटोसिस्ट सेंस ऑर्गन होता है जिसको आई स्पॉट भी कहते हैं, और ये जो है लाइट को डिटेक्ट करता है यानी जगमगाहट को डिटेक्ट करता है, और इसके साथ कनेक्टेड होते हैं कॉम्ब्रोज। जैसे ही स्टेटोसिस्ट ने लाइट को डिटेक्ट किया तो कॉम्ब्रोज जो है इनकी पोजिशन को चेंज करवा देते हैं। स्टेटोसिस्ट के साथ ही जो है वो एनल पोर होता है, यानी दो स्मॉल केनाल्स होती हैं जिनकी ओपनिंग जो है वो स्टेटोसिस्ट के साथ होती है, और इस एनल पोर के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। माउथ के साथ कनेक्टेड है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसे स्टमक भी कहते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ये बहुत सारी जो है केनाल्स निकलती हैं, इन्हें कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर केनाल्स। एबोरलैंड पे दो पाउच होते हैं, इन पाउच से जो है दो टेंटिकल्स निकलते हैं, लॉन्ग टेंटिकल्स जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब इन टेंटिकल्स के अंदर जो है वो कॉन्टेक्टाइल फाइबर्स होते हैं जो कि इन पाउच के अंदर इन टेंटिकल्स को वापस पैक कर देते हैं, और इनकी शेप आपको नजर आ रही है बिल्कुल अखरोट के छिलके की जैसी होती है, इसीलिए इसे सी वॉलनट भी कहा जाता है। और इसके अंदर आठ जो है वो कॉम्ब्रोज होती हैं, तो ये कंघे की जैसे जो है बने हुए ऑर्गन्स हैं, इनको कॉम्ब्रोज कहते हैं। अब यहाँ पे आपको चार कॉम्ब्रोज नजर आ रही हैं, चार जो है इसकी बैक साइड पे हैं, क्योंकि ये एक साइड से आपको बॉडी नजर आ रही है, दूसरी साइड से बॉडी नजर नहीं आ रही, तो चार कॉम्ब्रोज फ्रंट पे हैं, चार बैक साइड पे हैं, तो टोटल आठ कॉम्ब्रोज जो है वो प्लियर ब्रांचिया के अंदर पाए जाते हैं। और ये है इसका कोलोब्लास्ट स्ट्रक्चर, ये एडहेसिव स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। तो ये था हमारा आज का लेसन।